तो इस प्रॉब्लम में सलील के पास एक पिक्चर फ्रेम है जिसकी विड्थ दे रखी है 7 and 3/5, और उसके पास एक पिक्चर भी है जिसकी विड्थ दे रखी है 7 and 3/10, और उसको वो पिक्चर उस फ्रेम में फिट करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिक्चर का साइज फ्रेम के साइज से बड़ा है, यानी पिक्चर की विड्थ फ्रेम के विड्थ से बड़ी है, तो उस पिक्चर को थोड़ा हमें ट्रिम करना होगा ताकि वो उस फ्रेम में फिट हो जाए। तो इसमें ये पूछा गया कि उसको कितने से ट्रिम करना पड़ेगा, कितना लेंथ उसका ट्रिम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द पिक्चर है वो दे रखा है 7 and 3/5, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 7 × 5 + 3 एंड दैट इज 38/5 cm। अब हमें जो फ्रेम है उसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी, और वो दे रखा है 7 and 3/10, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 10 × 7 + 3 दैट इज 73/10 cm। तो यहाँ पे पिक्चर की विड्थ ज्यादा है फ्रेम के विड्थ से, तो हमें कितना ट्रिम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ द फ्रेम, तो ये हो जाएगा 38/5 − 73/10। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालना है, तो हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम चाहिए होगा। तो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे 5 और 10, इनका एलसीएम हो जाएगा 10। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5 और एलसीएम आया है 10, तो 10 इज 5 × 2, तो इसका न्यूमरेटर भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 38 × 2, ठीक है, तो वो हो जाएगा 76। और दूसरे फ्रैक्शन में एलसीएम भी 10 है और उसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो हमें ऊपर नीचे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 73 × 1 हो जाएगा, दैट इज 73 इटसेल्फ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 76 − 73/10, और ये आ जाएगा 3/10 cm। तो इतनी लेंथ से हमें या इतनी विड्थ हमें ट्रिम करनी पड़ेगी ताकि वो पिक्चर उस फ्रेम में फिट हो पाए।